नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में मैं सिंगल कलर का डिज़ाइन आप लोगों को बताने जा रही हूँ। ये डिज़ाइन बहुत ही आसान है और देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। इस डिज़ाइन को आप किसी भी प्रोजेक्ट पे डाल सकते हैं। स्वेटर, मफलर, टोपी, स्कार्फ, ये 10 फंदे का डिज़ाइन है और 10 सिलाई में बनता है। लेकिन इसमें जो ये 2 सिलाई हैं इसी को 10 सिलाई तक रिपीट करते हैं। तीसरी और चौथी सिलाई को ही 5वीं, 7वीं और 9वीं सिलाई में रिपीट करते हैं। उसके बाद इस डिज़ाइन को चेंज कर देंगे 10 सिलाई के बाद। ये जो 7 फंदा दिख रहा है गार्टर स्टिच का, ये 7 फंदा अब इसके इस लाइन के ऊपर में बनाएंगे। और ये दोनों लाइन जो दिख रहा है, इन दोनों लाइन को यहाँ पे ले आएंगे इस 7 फंदे के ऊपर में। इस तरह से ये डिज़ाइन आगे बढ़ता जाएगा। देखिए, इसके बाद यहाँ इसके ऊपर ये डिज़ाइन जैसे पहले सिलाई में शुरू किए थे, फिर यहाँ पे इसको रिपीट करेंगे। इसी तरह से इस डिज़ाइन को आगे बढ़ाएंगे। ये डिज़ाइन बहुत ही आसान है और देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। में मैंने 21 फंदे लिए हैं। फर्स्ट रो है, सभी फंदों को सीधा बुनेंगे। फर्स्ट रो में सभी फंदों को सीधा और सेकेंड रो में उल्टा बुनना है। ये सेकेंड रो है, इसमें सभी फंदों को उल्टा बुनेंगे। ये थर्ड रो है, थर्ड रो को ही 5th, 7th और 9th रो में रिपीट करेंगे। इसमें देखिए, पहला फंदा उतार लेंगे, उसके बाद 7 फंदा उल्टा बुनेंगे। और ये 7 फंदा हो गया। देखिए, ये पहला फंदा उतार लिए, 3, 6, 1, 7। ये 7 फंदा उल्टा बुनने के बाद धागा पीछे करेंगे। ये जो सीधा फंदा दिख रहा है, इसमें देखिए यहाँ 1 सिलाई नीचे, ये जो होल है यहाँ सिलाई डालेंगे और 1 सीधा फंदा निकाल लेंगे। धागा आगे करेंगे, 1 उल्टा फंदा बुनेंगे, फिर धागा पीछे करेंगे, 1 और फंदा उसी तरह से देखिए 1 सिलाई नीचे यहाँ सीधा बुनेंगे। इस तरह से देखिए, ये 2 फंदा हो गया। धागा आगे करेंगे, अब 7 फंदा उल्टा बुनेंगे। 3, 4, 5, 6 और ये 7। धागा पीछे कर लेंगे, ये फंदा फिर उसी तरह से 1 सिलाई नीचे सिलाई डालेंगे और सीधा बुन लेंगे। इसी चीज़ को पूरी सिलाई में रिपीट करना है, उल्टा, और ये आखिरी का फंदा इसे सीधा बुन लेंगे। ये 4th रो है, 4th रो में देखिए, ये पहला फंदा उतार लेंगे, उसके बाद ये जो सीधा फंदा दिख रहा है यहाँ सिलाई डालेंगे, 1 सिलाई नीचे और इसे सीधा बुन लेंगे। धागा आगे करेंगे, ये उल्टा हो जाएगा फंदा। धागा पीछे करेंगे, अब यहाँ देखिए ये जो फंदा दिख रहा है, फिर उसी तरह से 1 सिलाई नीचे सिलाई डालेंगे और इसे सीधा बुन लेंगे। धागा आगे करेंगे, अब 5 फंदा उल्टा हो जाएगा। 3, 4 और ये 5। धागा पीछे करेंगे, यहाँ देखिए फिर उसी तरह से 1 सिलाई नीचे ये सीधा फंदा है, इसमें सिलाई डालेंगे, 1 सीधा फंदा। धागा आगे करेंगे, 1 उल्टा फंदा। धागा पीछे करेंगे, ये 1 सीधा फंदा हो जाएगा। फिर धागा आगे करेंगे, 1 उल्टा फंदा। धागा पीछे, यहाँ देखिए ये 2 फंदा सीधा हो गया, अपोजिट साइड से 3 फंदा सीधा होगा।
उसी तरह से एक सिलाई नीचे सिलाई डालेंगे और एक फंदा निकाल लेंगे। इस तरह से ये तीन फंदा हो जाएगा, देखिए एक दो और ये तीन सीधा फंदा हो गया। धागा आगे करेंगे, अब पांच फंदा उल्टा होगा, एक दो तीन चार और ये पांच। फिर एक सिलाई नीचे उसी तरह से ये सीधा हो जाएगा, धागा आगे करेंगे, एक उल्टा फंदा। पहला फंदा उतार लेंगे, उल्टा बुनेंगे, अब सात फंदा उल्टा बुनेंगे। जैसे तीसरी सिलाई में बुने थे उसी तरह पांचवी सिलाई बुनना है। ये सात फंदा फिर उल्टा बुन लेंगे, धागा पीछे करेंगे। देखिए ये सात फंदा पिछली सिलाई में भी उल्टा बुने थे, ये सीधा फंदा। फिर उसी तरह से एक सिलाई नीचे सिलाई डालेंगे, एक उल्टा, फिर धागा पीछे। देखिए ये एक रो नीचे है, यहाँ सिलाई डालेंगे, सीधा बुनेंगे। इसके बाद सात उल्टा फंदा बुनेंगे, ये सात फंदा उल्टा हो गया। फिर देखिए ये एक रो नीचे, यहाँ सिलाई डालेंगे और एक सीधा फंदा बुन लेंगे। फिर एक उल्टा, धागा पीछे, एक सीधा फंदा। ये तीसरी सिलाई की तरह ही पांचवी सिलाई बुने, इसे ही सातवीं और नौवीं सिलाई में रिपीट करना है। ये सिक्स रो है, इसे चौथी सिलाई की तरह ही बनाएंगे। देखिए एक रो नीचे जा कर के सिलाई डालेंगे और सीधा बुनेंगे, फिर एक उल्टा फंदा, फिर उसी तरह से वन रो नीचे जा कर के सिलाई डालेंगे, उसके बाद ये पांच फंदा उल्टा हो जाएगा जैसा चौथी सिलाई में बनाए थे उसी तरह से। फिर देखिए यहाँ एक रो नीचे सिलाई डालेंगे, एक सीधा फंदा, धागा आगे, एक उल्टा, फिर उसी तरह से सीधा बुनेंगे, एक उल्टा। फिर देखिए एक रो नीचे जा कर के सीधा बुनेंगे, इस तरह से अपोजिट साइड में तीन उल्टा फंदा हो जाएगा सीधा का। ये इसी को रिपीट करना है आठवीं और दसवीं सिलाई में। फिर पांच फंदा उल्टा हो जाएगा, उसी तरह वन रो नीचे जा कर के सिलाई डालेंगे और एक सीधा फंदा बुनेंगे, फिर धागा आगे, एक उल्टा फंदा। इस तरह से तीसरी और चौथी सिलाई को ही मैंने पांचवी और छठी सिलाई में रिपीट किया है। अब इसे ही सातवीं और नौवीं सिलाई में रिपीट करेंगे। यहाँ देखिए मैंने ये दस सिलाई तक बुन लिया है, ये है तीसरी पांचवी सातवीं और नौवीं सिलाई। अब इसके बाद दो सिलाई तक, जैसे पहला और दूसरा सिलाई सीधा बुने थे और उल्टा और अपोजिट साइड से, उसी तरह से ये पूरी सिलाई सीधी बुन लेंगे। सेकेंड रो की तरह ही ये बारहवीं सिलाई है, इसे सभी फंदों को इसमें उल्टा बुनना है। इस तरह से देखिए ये जो दो फंदा दिख रहा है ये अब गार्टर स्टिच के ऊपर यहाँ पे ऊपर में ये बनेगा और ये गार्टर स्टिच अब इन दोनों फंदों के ऊपर आ जाएगा। जैसे यहाँ देखिए मैंने बनाया है,
यहाँ देखिए ये 7 फंदा है गार्टर स्टिच का, इसके ऊपर ये 2 जो लाइन गई हुई है इसके ऊपर में बनाएंगे, और इस लाइन के ऊपर में गार्टर स्टिच का 7 फंदा बनेगा। ये देखिए 13th रो है, इसमें पहला फंदा उतार लेंगे, 2 फंदा उल्टा बुनेंगे, उसके बाद एक रो नीचे इस तरह से एक सीधा फंदा बना लेंगे, फिर एक उल्टा फंदा, धागा पीछे करेंगे, फिर उसी तरह एक रो नीचे यहाँ सिलाई डालेंगे और एक सीधा फंदा बना लेंगे। इस तरह से ये 2 फंदा हो गया, अब 7 फंदा उल्टा हो जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7 फंदा उल्टा हो गया। इसके बाद फिर ये 2 फंदा यहाँ पे सीधा का लाइन बनेगा, उसी तरह से एक सिलाई नीचे एक सीधा फंदा बुनेंगे, फिर एक उल्टा, धागा पीछे करेंगे, फिर से उसी तरह से एक रो नीचे यहाँ देखिए सिलाई डालेंगे, एक सीधा फंदा बना लेंगे। इस तरह से 2 फंदा हो गया और फिर 7 फंदा उल्टा हो जाएगा। इसी तरह पूरी सिलाई बनाएंगे। फोर्टीन्थ रो, इसमें देखिए ये 4 फंदा उल्टा हो जाएगा, उसके बाद ये जो सीधा फंदा दिख रहा है इसमें यहाँ सिलाई डालेंगे और एक सीधा फंदा बुन लेंगे, धागा आगे करेंगे, एक उल्टा फंदा, धागा पीछे, फिर देखिए यहाँ सीधा बुनेंगे, एक उल्टा और फिर से एक सीधा फंदा। इसके बाद 5 उल्टा फंदा बुनेंगे, चार और ये 5 फंदा उल्टा हो गया, फिर उसी तरह से एक सिलाई नीचे एक सीधा फंदा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा और ये सीधा फंदा। इस तरह से देखिए यहाँ पे फिर 3 फंदा सीधे का हो गया, जैसे यहाँ 3 लाइन है उसी तरह से ये ऊपर में यहाँ देखिए ये 2 लाइन यहाँ पे हो जाएगा, और जहाँ ये लाइन बना हुआ था इसके ऊपर में ये गार्टर स्टिच का अब 4 लाइन जैसे यहाँ बना हुआ था उसी तरह बनाएंगे। इसी तरह से इस डिज़ाइन को आगे बनाएंगे। ये देखिए ये मैंने दूसरा डिज़ाइन भी बनाया है, और फिर पहले जैसे 7 फंदा बनाए थे उसी तरह अब इसके ऊपर में शुरू करेंगे। इस तरह से इस डिज़ाइन को आप जितना बड़ा भी स्वेटर बनाना चाहते हैं या मफलर में डालना चाहते हैं या टोपी में आप इसे डाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये डिज़ाइन पसंद आएगा। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।